झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के धुरुआ स्थित ठाकुर विश्वनाथ सहदेव विद्यालय से किया। बता दें, इन उत्कृष्ट विद्यालयों को निजी स्कूल के तर्ज पर चलाया जाएगा और पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा और स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड रहेगा। वो तमाम सुविधाएं होंगी जो निजी स्कूलों में होती है, जैसे कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, आईसीटी लैब, डिजिटल क्लास। इसी कड़ी में गुड्डा के प्लस टू हाई स्कूल को भी एसओई यानी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के कैटेगरी में रखा गया है और इसी को लेकर आज कार्यक्रम में पुड़िया हाट विधायक प्रदीप यादव, गुड्डा विधायक अमित मंडल और इसके साथ गुड्डा उपायुक्त और शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे, साथ ही पूरे स्कूल का निरीक्षण भी किया। वहीं प्रदीप यादव ने बताया कि ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है जिससे हमारे जिले के बच्चे पूरे राज्य में अपना नाम रोशन करेंगे। वहीं विधायक अमित मंडल ने कहा कि ये सरकार की अच्छी शुरुआत है लेकिन इसका संचालन अच्छे तरीके से होना चाहिए। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से स्कूलों को, विद्यालयों को सब गांवों तक, सब लोगों तक तो पहुंचा दिया गया, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, वह चुनौती था हम सबों के सामने। हमें लगता है यह जो प्रयास प्रारंभ हुआ है उत्कृष्ट विद्यालय, यह प्रयास उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए उस कमी को पूरा करना है। अब बच्चे बेहतर एजुकेशन ले पाएंगे, वो भी अंग्रेजी माध्यम से, सारी सुविधाएं जो आधुनिक सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं इन स्कूलों में है, बोर्डिंग से लेकर के पढ़ाई तक में। जब सारी सुविधाएं रहेंगी तो बेहतर कर पाएंगे और जो आज दुनिया के सामने जो चुनौती के रूप में खड़ा है कि हम भी उससे कदम से कदम मिला के चले, हमारे बच्चे चले। लेकिन अभी भी सुदूरवर्ती इलाकों में देखा जाता है कि शिक्षा का अभाव है, शिक्षक समय पे नहीं पहुंच पाते हैं, और उधर उस क्षेत्र में सर क्या कुछ फिर कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी जो शिक्षकों की कमी है, जो चीज़ें वो थोड़ी बहुत कमी ये तो रहेगा, उन कमियों को भी हम सबको दूर करना है। कभी संज्ञान में आएगा, कभी चीज़ें आएगी सामने, उन कमियों को दूर करना है, लेकिन उससे कहीं अलग हट कर के कि भाई हम बेहतर एजुकेशन दे सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें, उसके लिए सर एक क्वेश्चन, स्कूल में अभी तक इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, उससे आप क्या बोलना चाहिए? बहुत ऐसे भी जगह है जो कि अभी इम्प्रूवमेंट वहाँ नहीं हुआ। देखिए, दोनों बातें हैं, कुछ चीज़ें इम्प्रूव भी हुई है, कुछ चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो पाई है, तो जो नहीं आ पाई हो पाई है उसके लिए यह प्रयास है, उसी प्रयास का हिस्सा है। देखते हैं, देखिए जो भी पहल है और जो भी सरकार है कुछ ना कुछ इनोवेटिव करती है, और सरकार ने एक अच्छा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार मॉडल स्कूल्स को व्यवस्थित करें, लेकिन अब सरकार को ये भी देखना है कि किस तरह से इसका संचालन ठीक तरीके से हो। हम लोगों ने अभी विजिट किया है, डीसी साहब को कई चीज़ों का उल्लेख किया है, उम्मीद है कि वो सब चीज़ें हो जाएगी। यहाँ बेनेली छात्रावास हुआ करता था, पुराना ऐतिहासिक रहा है वो हॉस्टल, अब वो डिमोलिश हो गया, तो अब सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए एक हॉस्टल बने, ओबीसी के लिए है, एससी एसटी के लिए है, तो एक और हॉस्टल का निर्माण हो बेनेली छात्रावास के रिप्लेसमेंट के लिए, ये भी चिंता करने की ज़रूरत है। चीज़ें तो अभी सेटअप हो रही है, अभी तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसका आउटकम मिलने लग जाएगा तब मैं मानूंगा कि सरकार की ये योजना सफल हुई। स्टार्ट अच्छा है, अब देखते हैं कि अंत कैसा। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंक कोर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ। फ्रेश बैच की शुरुआत 13 अप्रैल से होने वाली है। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।